Shashnis Pramatma. Prabhu Mahavir ke pavan shri charno mein koti shah vandana. Param shraddheya Gurudev shri ke pavan shri charno mein anant anant vandana. Upasthit dharma premi bandhuon tatha meri maton. Pratah kalin dharma sabha mein aap sabhi ka hardik swagat. भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्यन सूत्र की वाचना का लाभ हम सभी प्राप्त कर रहे हैं. हम वाचना में प्रवेश करें उससे पूर्व भगवान महावीर स्वामी की स्तुति वीरुत्थोई का हम सभी सस्वर गान करेंगे. पुच्छे सुडम समणा माहणाय अगारिणो ये परते ध्याय से केणे गंतहि अधम माहो अनेलि संसाव समेखयाय कहम चनाणम कहदंसणम से सीलम कहम नाय सोयस जानासिणम भेखु जहात हेण आह स्वयं बूहि जहान संतम खेयन नहे से कुसले महे से अनंत नाणी जसंसिणो चखु पहेठियस जानाहि धम्मं च देहं च प्रेहि ओढ्ढं अहेयं तिर्यं दिशासु तसाय जेठावर जेयपाणा चेणे चणे चे हि समेख पन्ने देवे वधम्मं समयं उदाहु से सवदंसे अभिभूय नाणे निराम गंधे धीमंठिया अणोत्तरे सव जगंस विज्ञं गंथातीते अभय से भोई पन्ने अणिये अचारे यो हंतरे धीरे अनंत चखु अणोत्तरे तपै सूर्य वायरो यणिन्दे अणोत्तरम धम्म विण जिणाण नेया मुणि कासवासु इंदेव देवाण महानुभावे सहसणिया दिविण विसिद्धे से पन्नया खय साय रेवा महोदहिवा वियण पारे अणाई ले कसाय मुके सके देवाहि वै जुम से वीरेण परिपुण्य वीरिये सुदंसणे वा नग सव सिठे सुरालय वासि मुदागरे से विरायणे गुणो वे स्वयं सहसाण जोयणाण तिकंडगे पंडग वे जयंते से जोयणे नवै सहसे उद्धोषितो हेत स्ने गुण्ठेण भे चेठै भूमि वठिये जम सूर्या अणु परियटयन्ति से हेम वन्ने बहुनन्दनीय जनसिं रहिं वेदयन्ति महिंदा से पौवै सद महापगासे विरायै कञ्चन मठ वन्ने अणोत्तरे गिरी
पाव दुगे गिरीवरे से जनिये वभूमे मही मध्यम ठेण गिंदे पन्नायते सूर्य सुधले से एवं श्रीये उस भूरि वन्ने मनोरमे जो माली सुदंसन सेव जसो गिरिस पवुचै महतो पावयस एतो वमे समण नाय पुत्ते जाए जसो दंसन नान सीले गिरीवरे वा निसहायण रोये वसे थे वनयायताण तवो वमे से जग भूय पन्ने मुनीन मध्ये तमुदाहु पन्ने अणोत्तरं धम्म मुईरैता अणोत्तरं जान वरं जियाई सुसोक सोकं अपगंड सुखं संखिंदु एवंत वदात सुखं अणोत्तरगं परमं महेशे असेस कम्मं सविसोहेता सिद्धिं गते साई मणंत पत्ते नाणेन सीनेन यदंसने रुखे सुनाए जह सामलिवा जंसिं रतिं वेदयंते सुवन्ना वने सुवानंदन माउ सेठ नाणेन सीले ठणियं वसर्दान अणोतरेव चंदो अतारान महानुभावे गंधे सुवाचंदन माउ सेठां एवं मुनीनां अपरिन्न माहु जहा सयंभु उदहीन सेठे नागे सुवाधरण निंद माहु सेठम खो दैवार सवे जयंते तवो वहाणे मुनिवे जयंते हथे सुएरा वण माहु नाए सिहो मियाण सलिलाण गंगा पखे सुवागरो लिवेणु देवो निवाण वाले निहणाय पुत्रे जो हे सुनाए जह वेश सेने पुखे सुवाज अरविंद माहो खतीन सेठे जह दंत वक्के किसीन सेठे तहवत माणे दानान सेठं अभय पयाण सच्चे सुवाण वज्जं वयन्ति तवे सुवा उत्तम मम वचेन लोभोत्तमे समण नाय पुत्रे ठीण सेठा लव सत्तमा वा सभा सुहम्मा वसभान सेठा निवाण सेठा जैसव धम्मानाय पुत्ता परमधिनाणि पुढो अमे विगय निगाय गहे ने सन्निहि कोवयासुपन्ने तरियो समुद्धं जमहा भवोगं अभियं करे वीर अनंत चखो को हम चमाणं चतहेव मायं लोभं च उत्थं अजथ दोषा
ऐणवंदा अरहा महेशे ने को पावन कारवे क्रिया क्रिया में आणु आया अन्नाण पढ़ियाण से सवायता उठिए संजम देहरायम सेवारियाए थे सराय भक्तम वहाँ दुख कयठयाए लोगम विदिता आरम परम च सवम प्रभुवा रिय सववारम सोचाय धम्मम अरहंत भाष्यं समाहियं अठ पदो शुद्धं तं सद्धानाय जनानाओ इन्देव देवाय वागमिष्यन्ति इन्देव देवा हिवागमिष्यन्ति इतिरिमि सत्रवा अध्ययन पाप श्रमणीय अठारवा अध्ययन संजयीय पेज नंबर 84 संजयीय अध्ययन इसमें राजर्षि संजय का वर्णन है। जो कांपिल्यपुर के राजा थे, एक दिन वो शिकार खेलने के लिए अपने बहुत सारे सैनिकों के साथ राजा के अधीन एक जो तिंदुक उद्यान या तिंदुक नाम का एक जो जंगल था उसमें गए। तो शिकार खेलने की राजाओं की अपनी एक पद्धति होती थी। पूरे जंगल में चारों तरफ लोग फैल जाते थे और फिर हिरणों को घेर घोट कर एक जगह ले आते थे। तो ऐसे ही पूरे जंगल में हल्ला सा मचा हुआ था और बेचारे हिरण इधर उधर भाग रहे थे। तो राजर्षि संजय ने राजा संजय ने एक हिरण को देखा और उसके पीछे उसे मारने के लिए हो लिए, अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। उसके पीछे भागते भागते हिरण को एक तीर लगा और वो एक जगह जाकर बेचारा गिर गया। राजा ने देखा कि उसका निशाना अचूक रहा, चूका नहीं, वो बड़ा तेजी से बड़ा खुश होता हुआ प्रसन्नता से अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ उस जगह पहुंचा, फटाफट घोड़े से उतरा और हिरण की तरफ बढ़ा। जैसे वो हिरण की तरफ बढ़ा तो उसने एक दृश्य देखा, जिस पेड़ के नीचे जिस स्थान पर वो हिरण बेचारा तीर लगने से वो घायल होके अब मरने के कगार पर कहो या मर चुका है, वो गिर पड़ा है, गिरा हुआ है, वहीं पर पेड़ के नीचे एक मुनि बैठे हैं। जैसे मुनि को ध्यानलीन देखा तो राजा को एकदम से ऐसा झटका लगा कि ऐसा लगता है ये बेचारा जो हिरण है ये अपने प्राण बचाने के लिए इधर ही आ रहा था। ये जो महाराज हैं, ये जो ऋषि हैं, ये जो मुनि हैं, लगता है कि ये सारे हिरण इनके हैं, क्योंकि ये हिरण आया भी तो बचने के लिए यहां आया है। और उसे लगा कि मैंने इन मुनि के जो हिरण है उसको क्या कर दिया, उसको मार दिया। और राजा ने सुना था कि भैया अगर साधु लोग अगर कुपित हो जाए और गुस्से में आकर कोई अभिशाप दे दें या कुछ मुंह से कोई वचन निकाल दें तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। राजा आज तो लगता है कि तेरी किस्मत खराब थी, तू गलत जगह तूने क्या कर दिया, गलत जगह तूने हाथ डाल दिया सुबह सुबह, और ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। वो बेचारा बुरी तरीके से डरता हुआ, कंप कपाता हुआ कि कहीं मुनि अपने आँख खोलते ही जब वो सबसे पहला दृश्य देखेंगे तो सामने कौन है, उसका हिरण मरा पड़ा है, और हिरण को मरा हुआ देखते ही वो तो मुझे शाप दे देंगे,
तो वो बेचारा डरता हुआ एकदम से गया और मुनि के चरणों में लोटपोट होके कहने लगा कि महामुनि, मुझे नहीं पता था कि ये हिरण आपके हैं, आप मुझे क्या कर दो, क्षमा कर दो, मुझे इसके लिए माफी दे दो और आगे से मैं इस स्थान पर कभी क्या नहीं करूंगा, शिकार नहीं खेलूंगा, और अगर आप कहोगे तो जीवन में कभी क्या नहीं करूंगा, शिकार नहीं खेलूंगा, परंतु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। महामुनि जो ध्यान में लीन थे, जिनका नाम था गर्दभाली, तो गर्दभाली मुनि ने जैसी आंखें खोली उन्होंने देखा कि कोई सामने कोई उनसे क्षमा याचना कर रहा है, उनसे माफी मांग रहा है। तो उन्होंने देखा, देखते ही सामने हिरण मरा पड़ा है, सारा माजरा क्या हो गया। उनको समझ में आ गया कि राजा ने हिरण को मारा, हिरण बेचारा यहाँ आकर गिर गया, और राजा को अब मुझसे क्या लग रहा है, भय लग रहा है कि कहीं मैं राजा को क्या ना कर दूं, शाप ना दे दूं। तो पता है महामुनि ने सबसे पहला वचन क्या बोला राजा को, उन्होंने कहा कि हे राजन, अगर अभय दान चाहते हो तो दूसरों को अभय दान देना सीखो। क्या कहा कि अगर तुम सचमुच में ही अभय दान देना चाहते हो कि मैं तुम्हें क्या कर दूं, अभय कर दूं, मैं अपनी तरफ से तुम्हें क्षमा कर दूं, तो भैया तुम भी दूसरों को क्या देना शुरू कर दो, तुम भी दूसरों को अपनी तरफ से अभय दान देना सीखो। जो अभय दान देना नहीं जानता, उसे शाप मिले या ना मिले, उसका भय ही उससे सबसे बड़ा उसके लिए क्या है, शाप है। वो जो दूसरों को भयभीत करता है, जो स्वयं में भयभीत है, वो दूसरों को क्या करेगा, डराएगा। जो दूसरों को डराएगा, उसी डर का जो प्रतिफल, वो जो प्रतिध्वनि है, जब उस पर वापस लौटकर आएगी, तो वही उसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तो राजा को उन्होंने सबसे पहला वचन यही कहा कि राजन, सचमुच में अभय दान चाहते हो तो अभय दान देना भी सीखो, और क्यों इस बेचारे इस अनित्य लोक में, जहां कुछ दिनों के लिए तुम्हें यौवन मिला है, कुछ दिनों का ये खजाना मिला है, कुछ दिनों की शक्ति मिली है, कुछ दिनों का ये संपन्नता मिली है, कुछ दिनों की ताकत मिली है, और उन सारी चीजों का उपयोग तुम क्या कर रहे हो, दूसरों को मारने में कर रहे हो। अरे ये जो यौवन है, ये जो राज्य है, ये जो धन है, ये जो खजाना है, ये जो संपत्ति है, ये तो केवल और केवल बिजली की चमक की तरह है, थोड़ी देर चमक होती है, उसके बाद क्या हो जाता है, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है। तो मौत आए उससे पहले क्या हो जाओ, संभल जाओ। राजा संजय ने गर्दभाली मुनि की बात सुनी, बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके मन में बड़ा आमोद हुआ कि देखो, महामुनि ने मुझे शाप देने के बजाय मुझे क्या किया, मुझे हित शिक्षा दी है, मुझे अच्छी शिक्षा दी है। तो राजर्षि संजय, उनको ये मन में वैराग्य पैदा हुआ, वो राजा बन जा उसके बाद महामुनि गर्दभाली के चरणों में दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद गुरु आज्ञा से जब वो विचरण करने लगते हैं, तब एक अन्य राजर्षि से उनका मिलना होता है, दोनों के आपस में वार्ता होती है, बातचीत होती है, इसी का वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। पहले महामुनि गर्दभाली से उनका मिलना, फिर उसके बाद दूसरे राजर्षि से उनका मिलना, फिर आपस में उनकी बातचीत का होना, जिन शासन की महिमा का गान करना कि किस तरीके से वीतराग भगवंत का ये शासन, जो केवल और केवल विजेताओं का धर्म है, जो अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने कर्मों को जीतने का साहस रखते हैं, ऐसे लोगों का ये जो महान धर्म है, इस धर्म पर प्राचीन काल में भी बहुत से असंख्य स्त्री और पुरुषों ने चलकर अपना आत्मकल्याण किया है, वर्तमान में भी करते हैं और भविष्य में भी इस वीतराग शासन के शरण में आकर लोग भव चक्र से मुक्त होने का पुरुषार्थ करेंगे। अब पहले हम इसकी गीतिका लेंगे और उसके बाद इसका मूल पाठ। जग से जाना है अकेले, इससे ममता ना करो, साथ जाते कर्म सारे अशुभ कर्मों से डरो, असत है एकांत दृष्टि उससे बच करके चलो, संजय मुनि ने जो किया उससे शिक्षा ले चलो, संजय मुनि ने जो किया उससे शिक्षा ले चलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य
बना लो करने को आखेट मृगों का निकला संजय राजा मार दिया भयभीत मृगों को फल का नहीं अंदाजा मन परिवर्तन की है गाथा सुन कर बोध जगा लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो तीसरा कोई ना भय तुम मुझसे खाओ देता भय मैं तुमको हिंसा में क्यों लगे हुए हो छोड़ चलोगे सबको क्षण भंगुर है जीवन जानो अनित्य भावना भालो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो चौथा सूत्र अनित्य है जीवन ये राजन क्यों तू पसारा करता मात पिता सुत बांधव द्वारा साथ न कोई चलता तेरा किया ही साथ चलेगा चिंतन ज्योति जला लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो पंद्रहवां सूत्र उस सुख पे क्या इतराना जो अनंत दुखों को देगा उस दुख से क्या घबराना जो अनंत सुखों को देगा राजपाट सब छोड़ के निकले उन वीरों को ध्यालो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो अब मूल पाठ नमोत्थोणम समणस्य भगवो महावीरस्य कंपिले नयरे राया उदिन बनवाणि सामेणं संजय नामं विगवं भुवनि गय हयाणीय गयाणीय राणीय तैवय पायताणीय माया सवाओ परे मिये छुहिता है गाओ कंपिलु जान के सरे भीये संते मिये तत्व है रस मुच्छी आह के सरम में उज्जाने नने गारे धने सज्जाय जान संजुति धम्म जान जिया अपूर्व मंडव मिघाय कृविया सवित सगहि मिघे पासं वहि से नराहि अहवास
पास गौराया कृप मागम सुत भयो पासितणगार तथ पास अहराया तथ संबंधो अणगारो मणाओ गयो मंद पुण्यण रस गिद्धेण गितु आसंविश विसर्जयितानं मणगारस सुणि विवीणेण वंदय पाए भगवं एथमे खामे अहमाणेन सो भगवं अणगारे धानमस्ति रायाणं नेपणि मन्ते तौ राया संजौ अहमम्मीति भगवं महराय मे बुद्धि तेन अणगारे डय जनर कोडि अभौ पथि वा तुभ्यं तु अभयदाया भवानि अणिच्य जीवनो गम्ये किं हिंसाय पसज्जसि जया सर्वं परिचज्य गन्तव्यमव तत्सति अणिच्य जीवनो गम्ये किं रजसि पसज्जसि दिव्यं चेवरूपं च विदु सम्पाय चञ्चलं जत्थतं मुज्झसि रायं पृच्छथं नावबुद्धसि दाराणीय सुयाचेव मिताय तह बांधव जीवंत मणु जीवंति मयम मणु वयंति अनिहरंति मयम पुत्ता पियरं परम दुखियान पियरो वितः पुत्ते बंधुरायं तवं चरे तव तेन जिये दवे दारे अपरि रखिये किलं तेन नरे हठ तुठ मलंकिया तेना वीजं कयं कम्मं सोहं वाजये वादुहं कम्मुणा तेन संजुत्तो गच्छयो परं सोन तस्य सोधं मणगारस अन्ते माया संवेग निवेदं सवावन्नो नरा संजयो चयो निखन्तो जीर्ण शासने गद्दभादिस भगवौ अणगारस चिच्चारठं भवये खतिये परिभासये जाति दिशये रूपं प्रसन्नं ते तह मणु किं नामे किं गोते कसठा एव माणे कहं पडिय रसि बुद्धे कामेणि यत्ते उच्चसि संजयो नाम नामेणं तह गोतेण गोयमो गद्दभादि ममायरिया विद्या चरण किरियम किरियम विनयम अन्नानम च महामुनि हिम जोहिम ठाणे हिम मे अन्ने किम प्रभासे ई पाउ करे बुद्धि नाये परिणिभूये विद्या चरण संपन्ने सच्चे सच्च परकम पढ़न्ति नराय घोरे जिनरा पावकारिणो दिवं च गायं गच्छन्ति चरिता धम्म मारी माया भूयम वेयम तोमु सभासा निरत्य संजमानो वि अहम वसामि गिरियामि सवे वि अमज्जम मिथ्या दिठियाणारिया विज्यमाने परे लोए सम्मम जानामि अहमासि महापाणो जोए मवरिस सौ अमि जसा पाली महापाली दिवा वरिस सौ अमा सेचो एवं भलो गाओ मानो संभव मागाए अपनो या परिसिम च आऊं जाने जाहता हा नाना रोएं च छंदम च परिवज्य ज संजय अनठा जय सबथा ए विजा मानो संचरे पढ़ित कमामी पसेनान परमंते हिम वापनो अहो उठिए अहुरायम ए विजा तवम चरे जच जमच में पुच्छ सिकाले सम्मम सुधेन चेयसा ताए पाओ करे बुद्धि तमनानम जिन सासन क्रियम च रोयाए धीरे अक्रियम परिवज्जय दिठिये दिठि संपन्ने धम्मम चरसो तुच्चर एयं पुण्य पायम सोचा अथ धम्मो वसो हियं भरहु विभरं वासं चिच्चा कामाय सागरो विसागरंदं भरह वासं नारायो इस्तरियं केवलं मिच्छा दयाय परि चैता भारं वासं चक्रवर्ति मैढियो पवज्जम भुव गौ भगवं नाम महाज सणं कुमारो मौणु सिंधु चक्रवर्ति मैढियो पुत्तं रज्जिठाये उण सुवीराय तवं चरे चैता भारं वासं चक्रवर्ति मैढियो संधि संधि कर लोए पत्तो गए मणु इखागराय वसवो कुंतो नाम नरि सरो विखाय किति भागवं पत्तो गए
जाए मानु तागरंदम जाए तम नरवासी सरो यम पत्तो पत्तो गाय मानु तयता भर हम वसम चयता बलवाणम चयता उत्तमे भोए महापौमे तवम चरे एक छत्तम भसाहेता मणि मणनी सुदनो हरि सेणो मणो सिंधु पत्तो गाय मानु तरह सहसी सुपरिचाय दमम चरि जय नामो जीण खायम पत्तो गाय मानु तर दसन्न रज्जम मोदियम चयता मोणि चरि दसन्न बद्धो निखंदो सकम सकेण चोई नमे नमे अपाण सकम सकेण चोयो चयुण गे वैदेहि सामने पजो कर कंडो करेंगे सो पंचारे सुय दुमो नमे राया विदेहि सुगंधारे सुय नगे नरेन्द्र वस भान खंदा जन सासणे पुत्ते रज ठवे ओणम सामने पजो अटिया सो वीर राय वस वो चैतान मुणि चरे उदायण पवे पतो गए मानो तरम सच पर कम काम भोग परिचज पहन कम महावन देव विजो रायण ठाकृति पवै रजन तो गुण समेत पाय हितो महाजसो तहे उगम तम किचा अवकितेण महाबलो राय सिया दाय सिर सा सिर काम धीरो आए हो ममतो मरे समादाय सूरा दढ़ पर कम अचंदनी आन खम सचाई से भाषी अवय अंतर सुतारम ते गे तरिस तन सु अण गया कहम धीरे आए हो अतान परि अवसे सब संग वेण मुख सिद्धि भवाई निरय ते बेनी 19वां अध्ययन मृगापुत्रीय। सुग्रीव नगर में राजा बलभद्र और उनकी पत्नी का नाम था मृगा। इनका जो आत्मज है, इनका जो पुत्र है, नाम तो बलश्री था, परंतु क्योंकि माँ का नाम मृगा है, इसलिए प्राचीन काल में एक परंपरा थी, माँ के नाम से ही बच्चे का भी नाम पड़ जाया करता था, प्रसिद्ध हो जाया करता था। तो क्योंकि मृगा का बेटा है, इसलिए नाम क्या है, मृगापुत्र है। मृगापुत्र ने एक साधु को देखकर, उनको जाति स्वर्ण ज्ञान होता है और अपने पूर्व भव का बोध होता है, वैराग्य हुआ, माता पिता से उन्होंने दीक्षा की आज्ञा ली। माता पिता ने, जैसे कि हर माता पिता का मोह होता है, पुत्र को समझाने की कोशिश की, परंतु अंततः मृगापुत्र के वैराग्य की विजय होती है। माता पिता से उन्हें दीक्षा की अनुमति मिलती है, दीक्षा लेते हैं और अपना आत्मकल्याण साध के निर्वाण को, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मृगापुत्र और उनके माता पिता के मध्य में जो वार्तालाप हुआ है, उसी वार्तालाप का वर्णन इस मृगापुत्री अध्ययन में है। पहले हम गीत लेंगे और उसके बाद इसका मूल पाठ। जन्म दुखम मरण दुखम दुखमय संसार है, मृगा पुत्र से भाव जगे तो दुख से होंगे पार है। दुष्कर नहीं है साधु चरिया शांत यदि इच्छा हुए, नरक में जो दुख भोगे उनके सम्मुख कुछ नहीं, नरक में जो दुख भोगे उनके सम्मुख कुछ नहीं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराध्ययन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रम्य एक
सुग्रीव नगर था नृप बल भद्र यशस्वी मृगा नाम था पट रानी का बल श्री पुत्र तेजस्वी मृगा पुत्र नाम था चर्चित प्रेरक गाथा गानो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो दसवां सूत्र जन्म जरा और रोग मरण ही इस तन का है लेखा सार हीन काया में पल भर नहीं सुख की कोई रेखा दुखमय इस जग की ज्वाला से सारे तत्व निकालो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो ग्यारहवां जन्म जरा सब दुख रूपी है रोग मरण वे दुख क्लेश सभी पाते रहते हैं जगत स्वयं ही दुख है जगत का सत्य स्वरूप समझ कर सुख की राह निकालो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो 48वां लाभ अलाभ और सुख दुख में जीवन और मरण में मान और अपमान सभी में समथा अंतकरण में निंदा और प्रशंसा में सम ऐसे भाव जगा लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो अब मूल पाठ सुग्रीवे नैरे रम्मे काणु न जान सोहिये राया बल भद्दिति मिया तसग महिषी तेसिम पुत्ते बल सिरी मिया पुत्ते तिविसुये मा पियोण दईये जुव राया दमेसरे नंदने सो पासाय किले सहिते हिम देवो दोगुन दगोचिव निचम मुहिय मानसो मणि रयण कुट्टि मतले पासाया लोयण थियो आलोये नगरस चौकतीय चचरे अह तथ ऐ चंत पासे समण संजयम तव नियम संजम धरम शीलडम गुण आगरम तम ते मेया पुते दिठे अणमिसायु कहीं मन्ने ऋषिम रूवि रूवम दिठ पुवम मय पुरा साहु सदरिषिणो तस अज्जवसाणम मिसोहणे मोहम गयस्य संतस्य जाय शरणम समुपनन्ति लोग चुओ संतो मानु संभव मागवो सन्निनाण समे समुपन्न पन्ने जायम सरयम पुराणीयम जाय सरणे समुपन्ने मिया पुते महिधिये सरे पुराणीयम जय सामनम च पुराकयम विषयेषु अरज्जन्तो रज्जन्तो संयमम मिया अम्मा पियर मुवागम एवं वयनम अभवि सुयाणी में पंच महवयाणि प्रणरेषु दुःखम च तिरिखयेन जोणेषु निविन्न कामो में महन्नवो अणुजानः पवयिष्यामि अम्मो
अम्मताय मय भोग भूता फल विष फलो अम पच्छा कड़ुय विभाग अणुबंध दुआवह एमं शरीरम अणिचम असुयम असुई संभवम असाशय वासमेणम दुख कीसाण भायणम असाशय शरीरम मिरयम नोवलभामहम पच्छापुराय चय्यव्य फेण बुब्बूय सन्निभे मानुसते असारम्मि वाहि रोगाण आलये जरा मरण घत्थम्मि खणम्पि न रमामहम जम्मम दुखम जरा दुखम रोगाणि मरणानीय अहो दुखो संसारो जथकी संति जंतवो खेतम वत्वम हिरण्यं च पुत्तदारम च बंधवा चैतानम एमं देवम गंतव्यमौ सत्समे जहा किं पागफलाणं परिणामो न सुंदरो एवं भूतान भोगाणं परिणामो न सुंदरो अद्धाणं जो महंतंतो अप्येहो पवज्जय कंचंतो दुही होय छुहा तन्नाय पीढ़ियो एवं धम्म मकावणम जो गच्छे परम भव गच्छन्तो सुसु दुही होय वाहि रोगे हिम पीढ़ियो अद्धाणं जो महंतंतो सपेह उपवज्जय अय गच्छन्तो सुई होई छुहात न विवज्जियो एवं धम्मम पी काउणम जो गच्छे परम भव गच्छन्तो सुई होई अपकम्मे अवेयण जहा गेह पलितम्मे तस्य गेह सजो पहो सार भंडाणि नीने असारम उवज्जय उ उज्जय अव उज्जय एवं लोहे पलितम्मे जराय मरणेणीय अपानम तारिस्सामि तुभ्ये मनुन मन्यो तम विद्मा पियरो सामन्नम पुत्र दुच्चरम गुणानम तो सहसायम धारिय भिक्षुणो समया सब भूयेशु सिक्तो तेसु अजगे पाण इवाय सब जीवाय दुक्करम निच कालम कालप मत्तेनम मुसावाय विवज्जन भासी यवम हियम सच्चम निच्चा उत्तेन दुक्करम दंत सोहन माई स दत्तस विवज्जन अणुवज्जे सणिजस घिन्न अविदुक्करम विरय बंबच अबंबचेरस काम भोग प्रसन्न उगम महावयं बंबम धारियवं सुदुक्करम धन धन पस्पेस वगेस वगेसु परिगह विवज्जनम सवारंभ परिचाओ निम्मबत्तम दुसुदुक्करम चौ विहेवि आहारे रायभोयन वज्जन सन्निहि संचवचे वज्जियव सुदुक्करम छुआ तन्नायसि उन्नन तन समसग वेयन अकोसा दुख सिज्जाय तनफासा जल्यमेवय तालना तज्जना चे वह बंध परिसह दुखम भिखायरिया जायणया अलाभया काबोया जय इमावित्ति केस लोय दारुणो दुखम बंब वयम घोरम सारी ओम हपणो सुहोयो तुमम पुता सुकुमालो सुमज्जियो न हुसी पभु तुमम पुता सामन नमनु पालिया जाव जाव जीव मविस्सामु गुणानम तुम अहभरो गुरो लोह भारुव जो पुता होय दुवहो आगासे गंग सोव पड़िसो वदुत्तरो बाहयम सागरो चेव तारी यव्वय गुणद गुणदहि वालुया कवलो चेव निरसायो संजमे असीधारा गमनम चेव दुक्करम तरियुम चरियुम तवो अहि वेगंत दिठिये चरिते पुत्त दुक्करे जवा लोह मया चेव चावे यवसु दुक्करम जहा अग्नि सिहादिता पावुम होय सु दुक्कर तहा दुक्करम करियुंजे तारुण्य समण तणम जहा दुखम भरियुंजे से होय वायस कुत्थलो तहा दुखम करियुंजे कीवेणम समण तणम जहा तुलाय तोलेम दुक्करम मंदरो गिरी तहा निहूय निसंकम दुक्करम समणत्तणम जहा भूयाहिम तरियम दुक्करम रयण अयरो तहा अणुवसंतेणम दुत्तरो दमसागरो भुंज मानुषय भोगे पंचलक्षणाय तम भूत भोगी तव जाय पच्छादमं चरिष्यसि सो बिंतम पियरो एवं जहा फुडम इह लोय निप्पी वास सनति किंचि वि दुक्करम शरीर मानसा चेव वियणाव अनंतसो मय सोढ़ाओ भीमाओ असयम दुख भयाणीय जरा मरण कंताने चावरंते भयागरे मय सोढ़ाणी भीमाणी जम्माणी मरणाणीय जहाँ एहम अग्नि उन्नो एतो अनंत गुणोतहिम इनर ये सुवेणा उन्न असाय वेया मये जहाँ इमं इहम सीयम इतो अनंत गुणोतहिम नर ये सुवेणा सी असाय वेया मये कंदंतो कंद कुंभेशु उड्डपाओ अहोरो सहुयासने जलंतम्मे पौक वो अनंतसो महादवग्गि संकासे मरुम्मि वैरला वालुये कलंब वालुयाय यदड पुव अनंतसो रसंतो कंद कुंभिसु उड्डंबद्धो अबंधवो पर्ण कर वत्त कर कयाई कयाईहिम छिन्न पुवो अनंतसो अयि तिख कंटका इन्ने तुम्बे तुंगे सिंब ब्लिया लिपायवे खेवियम पास बद्देणम कड्ढो कड्ढायम दुक्करम महाजंतेसु उच्छुवा आर संतो सुभेरवं पड़िपोमि स कम्यहिं पावकम अनंतसु कुवंतो कोल सुने एहिं सामेहिं सबलेहिं पड़ी पाड़ियो फालियो छिन्नो विप्फुरंतो अनेगसो असेहिं अयसिन सिवन्नेहिं भल्लेहिं पट्टिसेहिं छिन्नो भिन्नो विभिन्नो ओइन्नो
पाव कमोड़ा अवसो लोह रहे जुत्तो जलंते समिला जुए चोयो तो जुत्ते हिमरुझो जह पाड़ियो होया सणे जलंतम में चिया सो मही सो विव डड्डो पक्को या अवसो पावक में पावियो बला संडास तुंडे हिम लो तुंडे हिम पक्खे हिम बिलुत्तो विलवंतो हम ढंक गिद्धे हिम अड़ंतसो तन्ना किलंतो धावंतो पत्तो वे नीनम नयम जलम पाहिंती किचिंतंतो खुरधारा हिम विवाहियो उन्ना भितत्तो संपत्तो असिपत्त महावणम असिपत्ति पड़िंते हिम छिन्नपुवो अणिगसो मुग्गरे हिम मुसुन मुसुंडीहिम सुलेम मुसलेहिं गया संभंग तेहिम पत्तम दुःख मणंतसो खुरेहिम तिखधाराहिं छुरियाहिं कपणीय कपियो फालियो छिन्नो उकितो यणिगसो पासिम कोडजाले मियो अवसो अहम वाहियो वधरुद्धोय बहुसुचेव विवाहियो गलेहिम मगर जालेहिम मथो या अवसो अहम उल्लियो फालियो गहियो मारियो या अणंतसो विदन सहिम जालेहिम लिपायम सवणो वेव गहियो लगो य बद्धोय मारियो या अणंतसो कुहाड़ फरसू माईहिम वडहिम दुमो वेव ताड़ियो फालियो छिन्नो तछियो या अणंतसो चवेड मुठी माईम कुमारी अयम वेव कुठियो फालियो छिन्नो चुन्नियो अणंतसो तंबाई तत्तायम तंब लोहाय तौयाम शीस गाणीय पाइयो कल कलंताय आर संत सुभेरवम तो हम पियाय मानसाय खंडायम सो लगाणीय खायो मिसम समनसाय अग्निवन्नाय अणिगसो तो हम पिया सुरासी हो मेरो य मोहणीय पायो में जलंतियो वसाओ रुहिराणीय निचम भीयण तथ्यण दुहियण वही यण परमाधु संबद्धा भीयण वेदितमय तिव्व चंडप गाढ़ाओ घोराओ अ दुस्सह महाभयाओ भीमव नरियसु विदितमय जारिसा मानुसलो तयाधिसंति वेण एतो अनंत गुणीय नरियसु दुख वेण सब भयसु अस्सासा वेण वेदितमय निमंते निमे संतर संतर मित्तम पीजम साया नथि वेण तम बिंदम मापेरो चिंदेण पुत्तम पव्य नवरम पूर्ण सामान्य दुखम निपड़ी कमया सोबेयम मापेरो एमयम जहाँ पड़म पड़ी कमम नो को कुणई अरण्यमय पखिणम पगभूय अरण्यव जाय चरय मिगे एवं धम्मम चरिस्सामि संजमेण तवेणिय जा मिगस आयंके आयंको महारण्यम जाय अचंतरख मूलम्य कोणम ताहे तिगिच्छय कोवासे ओसहम देय कोवासे पुच्छयम सोहम कोसे भत्तम च पाणम च आहरितु प्रणामय जया से सुय होय तया गच्छे सोयरम भत्त पाण सठाय वल्लराणि सराणीय खायता पाणियम पाऊं वल्लरे सरेहिय मिगचारियम चरितानम गच्छय मिगचारियम एवं सम्मुठिय भिको एवम अनेकय मिगचारियम चरितानम उड्ढम पकम मय दिशम जहामिय अनेक अनेकचारी अनेकवासे धोगोय रहिय एवं मणिगोय रठम पवेटे नोहिले नोवी अखिंसयज्जा मिगचार्यम चरिस्सामि एवं पुत्ता जहा सुम अम्मा पियोंग नुन्नाओ जहाय उबहिम मिगचार्यम चरिस्सामि सव दुख विमोखणिम तुभ्यम अभुनन्नाओ गच्छपुत्ता जहा सोम एवं सोम मापिरो अणुमित अणुमाणितान बहुव्यम ममत्तम छिन्दयिताहे महानागो वकंचुयम एड्डिम वित्तम च मित्ते पुत्तदारम नायवो रेणुयम पडे लगम निद्धुनितान अनगौ पंचमहुवे जुत्तो समय पंचहीन समिति गुत्तो गुत्तोय संबिंतर बाहिर तव कमम जुस उज्जुओ निम्ममो निरहंकारो निसंगो चत्तगारवो समोय सब भूये सुतसे सुधावरे सुय लाभ लाभे सुय दुखे जीवे मरणे तहा समो निंदा प्रशंसा सुतः माणवो माणो गार विसु गसाय सुदंड सल्लभे सुय निहय सहस गोसो गाव अणियाणो अवंदनो अणिस्यो एहन लोय पर लोय अणिस्यो वासी चंदन कपोय असणे अणसणे तहा अपसते दारे हैं सब वय सवोपि हि असवे अज्जप झाण जोगे हिम पसत्थ दम शासने एवं नाणे चरणे दंशने तहिय भवनाय शुद्धाय सम्मम भावे भावित्व अपय बहुयाणि वासाणि सामण मनोपालीय मासिण उवतेण सिद्धिम पत्तो अनुत्तरम एवं करिंत संबुद्धा पंडिय पव्य खण विणियट्टन्ति भोगेशो मिया पुत्ते जहारिषि महप भाव समाज सस मिया पुत्त सस सम्म भाषियम तव पहाणम चरियम उच्च उत्तमम गप गई पहाड़म च तिलोग विस्वयम वियाणिया दुख विबद्धनम धनम ममत्तवंदम च महाभयावहम सुहावहम धम्मधुरम मनुत्तरम धारिजन्युवाणम गुणावहम महम तिवेमी। आज की वाचना यहीं विराम पाती हैं। अब हम आलोचना सूत्र पढ़ेंगे। श्री आगमे तिविहे पन्नते तंजह सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे एहवा श्री ज्ञान के विषय जो को यति चालक हो तिमे आलो जमवाइदम बच्चा मिलियम हिणखरम अचखरम पैहिणम विणहिणम जोघिणम घोषिणम सुठो दिनम दुठो गड़ेछिणम काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ असज्जायम सज्जायम सज्जायम न सज्जायम जो मैं जो जय हो। अभी आप हमारे परम प्रिय मुनि रत्न
श्री ऋषि मुनि जी महाराज साहब के मुखार विंद से भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की मंगलमय वाचना का श्रवण कर रहे थे। हम सबका सौभाग्य है जिन वाणी से हमारा मानसिक वाचिक और कायिक संबंध जुड़ा हुआ है। इन पलों में जितने उत्तम भावों का आवागमन होगा, आगमन होगा, वो आगमन ही आपका वास्तविक धन है। अब राजा हरिश्चंद्र के चरित्र में प्रवेश करें, उससे पूर्व ओम का उच्चारण करने के लिए कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास, ओ शांति शांति शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गे आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानक वासी आचार्य सम्राट श्री शिव मुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज के। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त इस गोड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, मेरे उपाध्याय प्रवर
संघ सेतु शासन दिवाकर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूं। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कलयुग में सतयुग की एक कथा का आनंद ले रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा अगर भावनाओं से सुनी जाए, तन्मय होकर के सुनी जाए, उनके जीवन को देखकर अपने जीवन को देखा जाए, परखा जाए, सोचा जाए, उनके सत्य की अनुमोदना और अपने झूठ की आलोचना अगर हृदय से हो जाए, तो सच कहता हूं आपको बैठे बैठे ही सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। इतनी ताकत है अनुमोदना में और आलोचना में। अनुमोदना दूसरों की, आलोचना स्वयं की। केवल इन्हीं दो शब्दों पर जैनत्व टिका है। इन्हीं दो शब्दों पर जैनत्व की दिव्य धारा प्रवाहित होती है। और इसमें अवगाहन करने के लिए बड़े बड़े अनुभवियों ने, जिन्होंने जीवन को सत्य के साथ जोड़ करके देखा है, उन्होंने महसूस किया है, तभी बोला है। क्या? धर्म न दो जा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साची बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप जाके हृदय साँच है, ताके हृदय प्रभु आप सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत के बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए, तप बल से भी सत्य का बल है अपरम पार, हरिश्चंद्र के सत्य की सुनिए अब झनकार, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मर घट में बिक गया राजा
बिक गए तारा रानी वो अटल रहे धर्म पे फिर हो गई सब आसानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी जिन धर्म के प्यारे लोगों यह सुन लो अमर कहानी हम भूल गए हैं जिनको जरा याद करो कुर्बानी बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग शनिवार को सुन रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा प्रारंभ हो गई है और देखिए क्या गजब की बात है। परीक्षा प्रारंभ भी हो गई है और परीक्षार्थी को पता भी नहीं है कि परीक्षा शुरू हो गई है क्योंकि जीवन के अंदर वो सुख और दुख को सहजता से ले रहे हैं। हम जब किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम प्रिपेयर होते हैं, हम उसके लिए तैयार होते हैं और जिनके जीवन में सुख और दुख कोई मायने नहीं रखता, जिनके जीवन में सुख की अवस्था में भी सत्य था और दुख की अवस्था में भी सत्य है, यानी जहां कोई विशेष प्रयास नहीं, जहां सत्य के वास सहज सहवास है, ऐसे सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र जिन्होंने अयोध्या का राज देते हुए तनिक भी सोचा नहीं, इधर विश्वामित्र ने मांगा उधर सौंप दिया, लो जी इतनी सहजता से राज्य का दान दे देना, वाह। परीक्षार्थी होता तो सोचता, क्योंकि वहां दिमाग नहीं, वहां केवल दिल है, दिमाग से संसार की यात्रा होती है और दिल से अध्यात्म की यात्रा होती है, प्रेम की यात्रा होती है, मैत्री की यात्रा होती है, त्याग की यात्रा होती है, यही फर्क है। और महावीर का धर्म एक ही मकसद है, इस दिमाग को जितना कम करोगे उतना ही धर्म के निकट आ जाओगे और जितना इस खोपड़ी का इस्तेमाल करोगे उतना ही धर्म से दूर होते चलो। संसार के लिए उपयोगी है खोपड़ी और धर्म के लिए उपयोगी है हृदय। एक शैतान का घर होता है, एक देवाधिदेव का देवालय होता है, यही फर्क होता है दिल और दिमाग में। और धर्म की साधना और संबंधों की साधना कहीं ना कहीं दिल की जरूरत पड़ती है। अब सुनिए, राजपाट छोड़कर जंगल में पहुंच गए हैं। देखिए सोचा भी नहीं था, जो एक दिन पहले राजमहलों में रहते थे दूसरे दिन जंगल की यात्रा पर चल पड़े। लेकिन कमाल की बात यह देखी, जैसे वो महलों में थे वैसे ही वो जंगल में है। यहीं से पता चलता है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन कितना गहरा है। आत्मिक बल, आत्मविश्वास और अध्यात्म की साधना कितनी सहज है, यहां से पता चलता है। नहीं तो आपके जीवन में एकाएक अगर परिवर्तन आ जाता है, जो सोचा नहीं वो घटित हो जाता है, एक बार तो मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। यही अंतर है हरिश्चंद्र में
और हम जैसे संतों में, मैं आप लोगों को नहीं गिन रहा, मैं अपनों को गिन रहा, ये अंतर है। सत्य धर्म की ज्योति से उज्जवल चित्त अतंद्र हरिश्चंद्र जग वंदितम रविकुल कैरव चंद्र। जिसके जीवन में सत्य की अखंड ज्योत जल रही है, सत्य की अखंड ज्योत, इसको बोलते अखंड ज्योत। लोग दीपक की ज्योत जलाए रखते अखंड, बस दीपक बुझना नहीं चाहिए। बताऊं आपको, दीपक की अखंड ज्योत जलाने के लिए महज थोड़ी सी सावधानी चाहिए, और जिंदगी में सत्य की ज्योत जलाने के लिए सतत सावधानी चाहिए, सतत अनवरत, सोते और जागते चाहिए। वहां महज सावधानी या सतत सावधानी चाहिए। और जिसके जीवन में सत्य का दिया अखंड रूप से जलता है, उनके जीवन में कभी अंधकार आता ही नहीं। उनके लिए फूल और कांटों में कोई फर्क नहीं होता, सुख और दुख में कोई अंतर नहीं होता। उन्हीं के लिए ये संभाव की साधना है महावीर की। जहां हम और तुम विचलित हुए, समायिक से हम भंग हुए, समायिक खत्म, क्योंकि विचलन ही समायिक का भंग होना है। जहां भी संतुलन बिगड़ गया आपका, चाहे साधु है चाहे श्रावक है, वहां पर समायिक भंग हो जाती है जहां संतुलन बिगड़ा है। और इस संतुलन को केवल वही बना करके रख सकता है जो सत्यानुयायी है, जो आत्मानुगामी है, जो आत्म स्वभाव को उपलब्ध रहता है। देखिए, जो नहीं सोचा वो जब हो जाए, और उस समय मानसिक संतुलन बना रह जाए, और मानसिक संतुलन वही बना करके रख सकता है जो ये जानता है कि सुख दुख जीवन के दो, एक सिक्के के दो पहलू हैं, बस रात और दिन, दिन है तो रात है, रात है तो, है ना, कभी देखा आपने, दिन छुपता है, कभी तुम परेशान होते हो, मालूम है होनी है रात, जब रात के बाद दिन निकलता है कोई ज्यादा खुशी में कोई उछलते हो आप, हाँ सहज है, रात दिन आपके जीवन में सहज होते हैं, लेकिन और सुख दुख, और सुख दुख आपके जीवन में, हार और जीत आपके जीवन में सहज नहीं होती, यही फर्क आता है। भीम भयंकर सुनावन है, कहीं मनुज का नाम नहीं, कदम कदम पर दुख फैला है, लेस न सुख का काम कहीं, पत्ते पत्ते के पी पत्ते पत्ते के पीछे मानव की मृत्यु छुपी बैठी, वीरों को भी कंपित करती भीषण ताकन कन पेठी। भीम भयंकर बियावान जंगल, जहां हवाओं की सरसराहट की आवाज आ रही है, कहीं कांटे पड़े हैं, कहीं लकड़ियां पड़ी हैं, कहीं झाड़ियां हैं, उनको चीरते हुए दिशा का ध्यान रखते हुए, इस दिशा में काशी पड़ती है, केवल दिशा, उनके पास कोई दिशा यंत्र नहीं है, लेकिन मालूम है काशी इस दिशा में है, चल पड़े, पकडंडी भी खुद बनाएंगे, भीम भयंकर जंगल में रास्ता भी खुद बनाएंगे, ये सोच करके चल पड़े हैं। एक नहीं, कौन कौन, राजा हरिश्चंद्र, महारानी तारा और रोहित। और आपको ये भी बतला देता हूं, हरिश्चंद्र ने
राजसभा के आने के बाद उसने अन्न जल वहां का पिया नहीं है। रानी को जब पता चल गया कि मेरे पति ने सब कुछ दान दे दिया है, जब तक वो अपने राज्य की सीमा में रहे तब तक उन्होंने उसने भी कुछ खाया और पिया नहीं है, क्योंकि यहां का मैं कुछ भी खा पी नहीं सकता, कुछ ले नहीं सकता। यहां तक वो छोटा सा रोहित जिसकी 5-6 साल की उम्र है उसने भी कुछ खाया पिया नहीं है। निर्जल और जंगल की यात्रा चल पड़े, और क्या बात है, गजब। छोटे से बच्चे की फीलिंग दिखाता हूं मैं आपको। मां की गोद में क्योंकि थक जाता है तो मां की गोद और बच्चे की थकावट महसूस करती ही कभी हरिश्चंद्र कभी तारा उठा के चलती है, लेकिन रोहित को जैसे ही पता चलता है कि माँ मुझे लिए लिए थोड़ी सी थकावट महसूस कर रही है तब वो मचलने लगता, नहीं माँ मुझे नीचे उतारो, मुझे गोद में घुटन हो रही है, मुझे यानी मेरी माँ को कोई कष्ट ना होए, ये फीलिंग है वहां पर। चल रहे हैं, पांव नंगे हैं, झाड़ियों में कपड़े उलझ रहे हैं, पांव में कांटे गड़ रहे हैं, कभी कोई किसी का कांटा निकालता है, कभी कोई अपना कांटा निकालता है, पांव लहूलुहान हुए जा रहे हैं, फिर भी कदम से कदम, क्योंकि एक ही लगन है कि जल्दी से जल्दी हम कहां पहुंच जाएं, काशी पहुंच जाएं, या काशी प्रांत का जंगल जब शुरू होता है हम वहां पहुंच जाएं, जहां काशी की सीमा प्रारंभ होती है वहां पहुंच जाएं, ताकि उस जंगल से कुछ भी फल हो, जंगल के फल हो वो हम खा सकें और बच्चे को हम खिला सकें। अपनी सीमा का उन्होंने अंजल ग्रहण भी नहीं किया, जंगल में कौन किसको देख रहा है, लेकिन ये तो वो जानते हैं कि कोई देखे ना देखे, लेकिन मैं तो देख रहा हूं। चल पड़े, सारा दिन चले, दिन छुपने के बाद भी चले, तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चले। जब लगा कि हम थक गए, रोहित की तरफ नजर पड़ी, तारा ने कहा बच्चा थक गया है, कहा ठीक है, एक पेड़ के नीचे, पहली बार है ये, पेड़ के नीचे टूटे हुए पड़े हुए पत्तों को उठाया, उनका बिस्तरा बनाया और उस पर बच्चे को लेटाया। दोनों ने थपथपाकर रोहित को सुलाया। फिर हरिश्चंद्र ने तारा को कहा तुम सो जाओ, कहा नहीं पहले आप सो जाओ, क्योंकि एक जने का जगा रहना जरूरी है, पहले आप सो जाओ, जब आप उठ जाओगे तब मैं सो जाऊंगी। तो 2:30-3 बजे तक रात के हरिश्चंद्र सो गए, एकदम अपने समय पर अपने आप उठ गए और कहा तारा अब तू सो जा। इस तरह उन्होंने जंगल की पहली रात बिताई। दिन निकला, सामने नदी है, पानी से मुंह धोया और उस नदी के किनारे बैठकर तीनों भद्र प्राणियों ने भगवान की प्रार्थना की, जय जिनेश्वर जय जिनेश्वर जय जिनेश्वर जय जिनेश जय जिनेश्वर जय
जय जिनेश्वर जय जिनेश जय शुभंकर जय शिवंकर जय हितंकर जय महेश जय शुभंकर जय शिवंकर जय हितंकर जय महेश जय जिनेश्वर जय जिनेश्वर जय जिनेश्वर जय महेश जय जिनेश्वर जय जिनेश्वर जय जिनेश्वर जय कामना एक श्री चरण में सत्य पर अविचल रहे कामना एक श्री चरण में सत्य पर अविचल रहे देर क्या फिर खुद अमर देर क्या फिर खुद अमर जीवन के कट जाएंगे कलेश देर क्या फिर खुद अमर जीवन के कट जाएंगे कलेश जय जिनेश्वर जय जिनेश्वर जय जिनेश्वर जय महेश जय जिनेश्वर जय जिनेश्वर जय जिनेश्वर जय महेश भगवान से प्रार्थना की कि हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए एक ही अरदास है कि स्वप्न में भी हमारा चित्त सत्य के विपरीत ना जावे सत्य की पूजा में जीवन के श्वासों का खजाना खर्च हो जाए और कुछ नहीं चाहिए यही मेरा सुख है यही मेरा आनंद है यही मेरा सुकून है प्रार्थना की फिर तीनों भद्र प्राणियों ने यात्रा प्रारंभ कर दी फिर चल पड़े दूसरा दिन हो गया क्योंकि पहली रात बिता ली है दूसरा दिन चल पड़ा है और उससे पहला दिन भी महलों में जो सुबह खाया सो खाया उसके बाद उन्होंने वहां का अंजल लिया नहीं यानी दो दिन हो गए हैं चलना धूप में जिनको हम गर्म लू कहते हैं हमारी तरफ तो लू कहते हैं यहां क्या कहते मैं जानता नहीं जब गर्म हवा चलती है वो गर्म हवा हमारे शरीर का पानी सोख लेती है उस लू का ये प्रभाव रहता है कि जब पानी सूख जाता है तो चेहरे पर जो होठों पर कोमलता रहती है वो सूख जाती है शुष्क पड़ जाती है होठ सूख जाते हैं मुख की लार खत्म हो जाती है कंठ पानी मांगने लगता है ऐसी स्थिति आ जाती है वहां पर ऐसी स्थिति देख रहा है रोहित भी कभी माता पिता कहते आजा बेटा निकल नहीं चलो उस छोटे से बच्चे की क्या करामात है जब भूख सहन नहीं हुई तो मां को कहा पिताजी से बचकर मां भूख लगी अपने बच्चे की आवाज सुनी क्योंकि बाहर आ गए थे अयोध्या की सीमा से उसको बोलते हुए महसूस कर गया हरिश्चंद्र की बच्चे को भूख लगी है तुरंत कुछ फल तोड़े लेकिन उनके पीछे एक है जो गुप्त रूप से पीछा कर रहा है कौन वो मिथ्यात्वी देव जिस फल को वो तोड़ता है हरिश्चंद्र किसके लिए अपने बेटे रोहित के लिए वहीं से ही अपने प्रभाव से उन फलों को कड़वा और खट्टा इतना कर देता है जैसे ही खाए वो थूकने लग जाता ना 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 जब भूख के मारे परेशान हुआ तब उसने एक गजब का नजारा किया वहां पर एक दृश्य दिखलाया उसने एक बुढ़िया की शक्ल बनाई उस देवता ने
वृद्धा मोदक की डलिया को बार बार दिखलाती है, सुधा विकल रोहित के मन को बार बार ललचाती है। सोचा राजा क्षुधित पुत्र से तो इसे ही मांगेंगे, आज सर्वथा निश्चित है निज राज धर्म को त्यागेंगे। बुढ़िया ने इस तरह का रूप बनाया, वो केवल रोहित को ही नजर आए और किसी को नहीं। रोहित को नजर आई, एक आवाज निकाली, आवाज को पीछा किया, एक बुढ़िया नजर आई, उसके सिर पर टोकरी रखी है, टोकरी में मोती चूर के लड्डू, और लड्डू इतने ताजे, उसकी सुगंध को उड़ाया। और बताऊं आपको, जब पेट में कुछ नहीं होता तो पड़ोस के घर में भी कुछ बनता है तो उसकी सुगंध आती है ना। हाँ, जिनको उपवास होते हैं ना, उनको दूसरे के मकानों की भी खुशबू आ जाती है। ऐसा होता है, वो सुगंध उड़ाई, रोहित के नाक में आई। एक बार तो आंख बंद की, फिर आंख खोली, बुढ़िया बोली, क्योंकि बच्चों को इसलिए ललचा रहा है वो कि आदमी सब चीज बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने बच्चे को भूखा मरते हुए नहीं देख सकता। बच्चा माँ बाप को कहेगा, माँ बाप जब मान जाएंगे, मैं देख लूंगा अपने ज्ञान में कि बच्चे के लिए वो नरम पड़ रहे हैं, वो बच्चे के लिए कुछ मांग सकते हैं, तो मैं उनको भी अपना रूप दिखाऊंगा और फिर लड्डू के लिए बोलूंगा, क्योंकि कश्यप वंशी कभी मांगना, और हो सकता है बच्चे के मोह में आकर के आज ये भीख मांग लें और ये अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाए। मालूम है, जब बुढ़िया कह रही थी ल्यूम, तो वो क्या बोले, ए, उसको ठोसा दिखाया और भाग गया। हरिश्चंद तार अति दृढ़ है, भिक्षा का संकल्प नहीं, कृष्ण घटाओ में भी रवि का दब सकता है तेज कहीं, रहा सर्वदा देने के ही हाथ सिंह का ही ऊपर, आज दुख में पड़कर भी क्या मांगेंगे नीचा कर। रोहित भी तेजस्वी क्षत्रिय बालों में पलता आया, जैसे मात पिता वैसा ही सुत भी जग में कहलाया, धीर वीर तेजस्वी बालक स्वयं किसी से क्या मांगे, अगर स्वयं भी कोई दे तो ठुकरा कर सहसा भागे। दो दिन का भूखा है रोहित क्या मजाल फिर भी मांगे, बालक है फिर भी रवि कुल की मर्यादा को कैसे त्यागे। छलिया देव हार कर आखिर लज्जित मुख हो चला गया, राजा तो क्या रोहित सा शिशु भी जरा न छला गया। उन्होंने तो क्या मांगना था, रोहित को ललचा लिया लेकिन उनके लालच में नहीं आया, और जब उनको ठोसा दिखा कर कि नहीं हमने मांगना नहीं सीखा है कभी, ये कहकर के जब वो भाग गए अपनी मां की तरफ, बुढ़िया देखती कि देखती रह गई, सोचने लगा यार ये किस खानदान के हैं, क्योंकि बच्चा जल्दी डिग जाता है लेकिन जिसके संस्कारों के अंदर माँ बाप का अमृत बसा पड़ा है, ऐसा बच्चा कैसी भी परिस्थितियों के अंदर घबराता नहीं है। इसको कहते हैं संस्कार, इसको कहते हैं संस्कृति, और संस्कृति और संस्कारों की परीक्षा हमेशा मुसीबत के अंदर ही हुआ करती है। उस रोहित की भावों को जब देखा उस छलिया देव ने,
वो भी देखता का देखता रह गया। जिसका बच्चा ही काबू में नहीं आया, उसके माँ बाप क्या काबू में आएंगे, वो चला गया। इधर हरिश्चंद्र के कदम आगे बढ़े, लेकिन गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है, इतनी भयंकर पड़ रही है, सारा पानी सूख गया। और जब पानी सूख जाता है शरीर का, तो आंखों के आगे अंधेरी छा जाती है। हरिश्चंद गर्मी के मारे, पानी के अभाव में नीचे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। तारा इस दृश्य को देखकर एकदम उसके मुख से निकला हाय। रोहित भी रोया, एकदम दौड़ा, तलवे मसलने लगे, सिर मसलने लगी, लेकिन तुरंत उसको ध्यान आया, तारा ये वक्त हिम्मत खोने का नहीं है। रोहित को कहा, बेटा पिता को तू संभाल। एकदम दौड़ लगाती है, ऊंचे टीले पर चढ़कर जाती है, देखती है दूर दूर तक कि कहीं कोई पानी का सरोवर है या नहीं। एकदम सरोवर नजर आया, दौड़ करके गई, केले के पत्तों का एक दोना बनाया, पानी भरकर लाई, भागी भागी आई, और रोहित अपने पिता के तलवों को, कभी अपने अंगोछे से पिता को हवा कर रहा है। तुरंत दौड़ करके आई, पानी के छींटे मारे, होश आया, उठ बैठा। मैं कहां हूं, आप यहीं हो, पानी पीजिए। आप पानी पिया, थोड़ा पानी बच गया, रोहित को पिलाया। रोहित ने भी पूरा पानी नहीं पिया, उसने अपनी मां के लिए बचाया। वाह, उसने अपनी मां के लिए बचाया, मां ने पिया। दोनों चल के एक पेड़ के नीचे आए, और आज पहली बार हरिश्चंद्र तारा की तरफ श्रद्धा से देखा और कहा, तारा तुम सचमुच देवी हो, क्षत्रिय कुल की बाला हो, संकट में भी धर्म न खोती, दृढ़ साहस की ज्वाला हो। अगर आज तुम विचलित होती, अगर आज तुम विचलित होती, नहीं समय पर जल लाती। सच कहता हूं हरिश्चंद्र को, फिर क्या दुनिया लख पाती। कहा कि वाह तारा, क्या गजब की हिम्मत है तेरी। मैं तो ये सोचा करता था कि औरत दिल की कमजोर हुआ करती है, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तेरी रगों में किसी छत्रानी का खून दौड़ता है, तेरे रगों के अंदर हिम्मत की गंगा बहती है, ये तूने साबित कर दिया। सच कहता हूं, ऐसे वक्त पर अगर तू हिम्मत हार जाती, क्या करूं क्या करूं, हाथ पांव फूल जाते, घबरा जाते, तो थोड़ी देर के अंदर ये सारा खेल खत्म हो जाता। मैं दुनिया को नहीं देख पाता, ना मैं तुम्हें देख पाता, लेकिन तेरी हिम्मत ने मुझे जो जीवन दिया है, इसके लिए देवी तेरा शुक्रिया। और फिर रो पड़ा, उसकी तरफ देख करके कहने लगा कि तारा सच बोल कि मेरी वजह से तुझे जो ये कष्ट सहन करना पड़ रहा है, जंगल में भटकना पड़ रहा है, पांव में छाले पड़ गए, रंग काला पड़ गया, इस मुसीबत में तेरा दिल तो नहीं घबराता। कहा कि बिल्कुल नहीं, और सुनो सुख, बहुत गहरी बात कही तारा ने, सुनो सुख दुख मन का खेल होता है। किसका? मन का खेल होता है। हमने तो महलों में रहने वालों को भी रोते हुए देखा है, हमने तो महलों में रहने वालों को भी रोते हुए देखा है, और झोपड़ी में रहने वालों को हंसते हुए देखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
चल अब मेरे अंदर हिम्मत आ गई है, चल पड़े। पहुंच गए काशी नगरी, पहुंच गए गंगा के किनारे। जैसी गंगा नजर आई, बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे। छोटा सा गीत है, दो मिनट का समय तो आपका हो गया है, कहो तो ले लूं दो मिनट, ज्यादा दूर नहीं लूंगा। गंगे को देखकर, क्योंकि क्षत्रियों की रूह से निकलती है वो गंगा, उस गंगा को देखते ही हरिश्चंद, तारा और रोहित की सारी थकान दूर हो गई। स्नान किया गंगे के किनारे पर, गंगा को प्रणाम किया और गंगा को देखकर एक शिक्षा ली। गंगे तुम्हारी धारा, गंगा तुम्हारी धारा, ऐ विराम बह रही है, कर्तव्यशीलता का संदेश कह रही है। गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है, कर्तव्यशीलता का संदेश कह रही है। अचलों को चीर देती, क्योंकि पहाड़ों से निकली है और पहाड़ों को हमारे यहाँ अचल कहते हैं, जो डिगे नहीं। अचलों को चीर देती, टीलों को चूर्ण करती, पथ की रुकावटों को दलमल के बढ़ रही है। गंगे तुम्हारी धारा, गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है, कर्तव्यशीलता का संदेश कह रही है। और भी गंगा आगे को चल पड़ी तो, आगे को चल पड़ी तो पीछे को लौटना क्या, आगे को चल पड़ी तो पीछे को लौटना क्या। निज लक्ष्य पर पहुंचने निशदिन उछल रही है। गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है, कर्तव्यशीलता का संदेश कह रही है। और भी गंगा मिलते हैं मेल जल से, मिलते हैं मेल जल से पूरित नदी व नाले, मिलते हैं मेल जल से पूरित नदी व नाले। अपना स्वरूप देकर सम सृष्टि रच रही है। गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है, कर्तव्यशीलता का संदेश दे रही है। जितने भी रास्ते में नदी और नाले पड़ते हैं, उन नदी और नालों को गंगा अपने रूप में प्रवाहित करके उनको भी पूजनीय बना देती है। गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है, कर्तव्यशीलता का संदेश कह रही है। और भी बहती जिधर उधर ही, बहती जिधर उधर ही होता हरा भरा जग, बहती जिधर उधर ही होता हरा भरा जग। जल राशि करके अर्पण उपकार कर रही है। गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है, कर्तव्यशीलता का संदेश कह रही है। मानव अगर चले इस गंगा की तरह, अगर इंसान सोच ले, बोला है मानव अगर चले इस आदर्श पर अमर हो, मानव अगर चले इस आदर्श पर अमर हो, गंगे तुझ पे इसका सुवितान तन रही है। गंगे तुम्हारी धारा ऐ विराम बह रही है, कर्तव्यशीलता का संदेश कह रही है, कर्तव्यशीलता का संदेश कह रही है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा माता की जय। आज इतना ही, कल क्या होता है काशी के अंदर, कल फिर मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के
हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार शोर मचाऊं गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, ओ दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालो सुन लो, लोहे कपड़े वालो सुन लो, बेंगलोरो वालो सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली।